नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। दोस्तों, अगर आप भी अपने से ज्यादा किसी और को प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले आपके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहा है, आपके प्रेम अगर पवित्र हैं और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा और निश्चित ही आज जो आप लोगों को उपाय बताऊंगा, इसे दासी की तरह सामने वाले आपकी बात मानेंगी, वो हर कार्य करेगी जो तुम चाहोगे, और लड़की है तो वो लड़का हर कार्य करेगा जो तुम चाहोगे। आज जो हमारे वीडियो की जानकारी है राजमंत्री जड़ी के बारे में है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, अन्यथा इसमें आपको ही नुकसान होने वाले। छोटे से जो जानकारी दूंगा पूरी आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो आज जो जानकारी मित्रों राजमोहिनी जड़ी के बारे में, जिसके प्रभाव से बड़े बड़े देवी देवता बच न सके, तो मनुष्य कौन सी खेत की मूली है। पत्थर जैसे दिल वाले भी पिघल जाएंगे और कठोर हृदय वाले भी प्रेम बंधन में बंध जाएंगे। न चाहते हुए भी वो हर कार्य करेगी जो तुम चाहोगे, पर इसका दुरुपयोग आपको करना नहीं है। तो कैसे किस प्रकार से वश में करते हैं राजमोहिनी जड़ी, आइए विस्तार से जानते हैं। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम अच्छे अच्छे जानकारी सिखाते हैं, जिसे अपना करके आप अपने भाग्य उदय कर सकते हैं, अच्छे अच्छे चीजों को अपना सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको करना है कि आपको एक चांदी की ताबीज लेकर के आ जाना है, एक छोटा साइज का चांदी की ताबीज लेकर के आ जाना है, जिसमें राजमोहिनी जड़ी रखते बन जाए, यानी कि डालते बन जाए। तो सर्वप्रथम आपको एक चांदी की ताबीज ले आना है, मार्केट से मिल जाएंगे। फिर राजमोहिनी जड़ी की आपको पूजा करना है। राजमोहिनी जड़ी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, अब जल्दी हमारे वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगे, आप तक पहुंचा देंगे। तो राजमोहिनी जड़ी की आपको पूजा करना है और जिसे वश में करना चाहते हैं उसके नाम लेना है और अपने नाम लेना है, और ये उसके नाम लेकर के अपने नाम लेकर के राजमोहिनी जड़ी को पानी में डुबाना है, यानी कि पानी में डीप करना, तुरंत निकाल लेना है। तो ये राजमोहिनी जड़ी एक दूसरे से लिपड़ करके आपस में जकड़ जाएंगी, यही है ओरिजिनल राजमोहिनी जड़ी की पहचान। अब किस प्रकार से बस में करेंगे सामने वाले को आइए बता देता हूँ। तो जिस प्रकार यह एक दूसरे को आपस में जकड़ेगी, ठीक उसी प्रकार ये जिसके नाम से आप या प्रार्थना करेंगे राजमोहिनी जड़ी से कि फलाने को हमारे बस में करे, बिल्कुल उसे आपके प्यार बंधन में, यानी कि आपके प्रेम बंधन में बांध देगी। मोहिनी भगवान विष्णु का ही मनमोहक स्वरूप है और ये जड़ी उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो मोहिनी भगवान यानी कि विष्णु के मनमोहक रूप से भगवान शंकर स्वयं नहीं बच पाए तो मनुष्य कौन खेत की मूली है, मनुष्य की ही बात ही छोड़ो। तो आपको इसे जैसे कि पानी में डीप करने के बाद जिसके नाम लेकर के आप बोलेंगे, पानी में डीप करना है और तुरंत इसे आपको चांदी की ताबीज में डाल लेना है। फिर इसे चांदी की ताबीज में डाल करके आपको पहनना है और इसे पहन करके जिसे आप प्रेम करते हैं उसके पास में जाना है, तो वह आपके प्रेम में धीरे धीरे बंध जाएंगी। अपने स्वार्थ के लिए आपको इसका प्रयोग नहीं करना है और बिल्कुल ही सामने वाले मोहिनी के बंधन से छुटकारा नहीं पाएगी। बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक देवी देवता भी इससे बच नहीं पाते। राजमोहिनी जड़ी का प्रयोग हमने अभी तक अपने चैनल में नहीं बताया था, इसे गुप्ता रखे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा के कारण, रिक्वेस्ट के कारण यह वीडियो आज हमने अपने चैनल में बना भी दिए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।